और जो है सबको हम दीन तक पहुंचाने की। अच्छा, हमारा सबसे बड़ा जो जुर्म क्या है मुसलमानों का, सबसे बड़ा जुर्म यह है कि हमने अल्लाह की मखलूक को, ये जो पूरी दुनिया की इंसान है, पूरे दुनिया के इंसान मुस्लिम गैर मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम अल्लाह के बंदे हैं और वो सारे इंसान हैं, उनको जो है हमने सही राह पे नहीं लाए, सही गाइडेंस पे नहीं लाए। हालांकि हमारे पास सही राह, सही गाइडेंस थी, अल्लाह की गाइडेंस हिदायत थी, और शैतान की जो गाइडेंस पे उनको चलने दिया, उनको छोड़ दिया। और वो एक अल्लाह की जो मखलूक है, जो अल्लाह के जो बंदे हैं बाकी सारे गैर मुस्लिम, हमने उनको शैतान के रास्ते पर चलने दिया और वो दोजख में जाने वाले हैं। वो जो लोग हैं पूरे दोजख में जाने का जिम्मेदार हम हैं। हम जो है जो एक मिसाल देता हूँ मैं, किसी की जिंदगी बर्बाद करना, किसी को मार देना, किसी का माल लूट लेना दुनिया के अंदर, वो छोटा गुना है। किसी की दुनिया बर्बाद करना छोटा गुना है, मगर किसी की आखिरत बर्बाद करना बहुत बड़ा गुना है। आखिरत ही जो हमेशा के लिए रहने वाली है, दुनिया की जिंदगी किसी इंसान के लिए या किसी कौम के लिए एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, कम टाइम के लिए है। किसी इंसान की जिंदगी उसकी जिंदगी पैदा से मौत तक है, किसी कौम की जिंदगी क्यामत तक ही है, मगर आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए है, लामहदूद जिंदगी है। अगर हम किसी की दुनिया की जिंदगी बर्बाद करते हैं तो वो उसके हम थोड़े मुद्दत के लिए करते हैं, थोड़ा नुकसान करते हैं, छोटा नुकसान करते हैं, जिसकी तलाफी हो सकती है, जिसका बदला दिया जा सकता है, मगर किसी की हम आखिरत बर्बाद करेंगे तो उसके लिए तुम हमेशा हमेशा की उसकी वो आखिरत और जिंदगी हमेशा की बर्बाद कर देंगे। तो ये हमने बहुत बड़ा जुर्म किया हुआ है कि हमने अल्लाह के बंदों को, जो अल्लाह ने हमको एक पैगाम देके, हमको एक जिम्मेदारी देके भेजा था, हमको एक मौलम और उस्ताद बना के दुनिया में भेजा था कि तुम जाओ और मेरी हिदायत लोगों को दो, शैतान की गुमराही से बचाओ, तो हमने जो है ना 1000 साल 1200 साल तक ये जिम्मेदारी अदा नहीं की। और अल्लाह के जो है ना 90% बंदों को तुमने दोजख के हवाले कर दिया, दोजख में जाने वाला बनाया। और अभी इस वक्त जो है ना दुनिया में करोड़ों अरबों लोग गैर मुस्लिम हैं जो दोजख में जाने वाले हैं, दोजख में जाने के लिए तैयार है, उनके सब का जुर्म का जिम्मेदार हम हैं। और इतनी बड़ी जो जुर्म हमने किया, इसकी सजा भी अल्लाह ताला ने हमको बहुत बड़ी दिया, हमको जो है ना हमारे गुलामों का गुलाम बना दिया, जो जिनके ऊपर हम हाकिम थे, जो लोग हमारे गुलाम थे, आज जो है ना हम गुलामों के गुलाम हो गए। वो सजा अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि हमने अल्लाह के दूसरे बंदों के साथ नाइंसाफी की, हमने जो है ना उनकी दुनिया बर्बाद नहीं की बल्कि उनकी आखिरत बर्बाद की हुई है। इसलिए हमको आज तौबा करना चाहिए और अपने किरदार से जो है ना वापस दीन पे दीन फैलाना चाहिए, और जो है ना दिन के वो